आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने इस्तीफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तीफा इसलिए लिया है कि उत्तराखंड में पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। उनका इस्तीफा इसलिए लिया है कि उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश का सबसे खराब मुख्यमंत्री दिया। टीवी न्यूज के सर्वे में भी ये बताया कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री सबसे खराब मुख्यमंत्री है। गांधी जी के तीन बंदर थे, एक को सुनाई नहीं देता था, एक को दिखाई नहीं देता था, एक बोल नहीं सकता था। गांधी जी के तीनों बंदरों की अगर खूबियां किसी में थी तो वो त्रिवेंद्र रावत में थी। ना उसे बेरोजगारों की चीखें सुनाई देती थी, ना उसे बेरोजगारी दिखाई देती थी, ना उसके पास बेरोजगारी के लिए कोई जवाब था। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने प्रदेश के 4.5 साल जो खराब कर दिए हैं, जो प्रदेश की जनता के 4.5 साल बर्बाद कर दिए, जो प्रदेश के विकास की गति को 4.5 साल के लिए रोक दिया, जो प्रदेश की जनता की माताओं बहनों की जो एस्पिरेशंस थी, जो उनके बच्चों के सपने थे, उनको जो आपने बर्बाद कर दिया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब आप सोच रहे हो कि 6 महीने के लिए आप मुख्यमंत्री बदल दोगे और प्रदेश की जनता आपको माफ कर देगी। तो मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि अब जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। अगर आपको इतना ही दुख है कि भैया आपने एक गलत आदमी को चुना था, आप चुनाव करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि प्रदेश की जनता क्या चाहती है। कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है, प्रदेश की जनता आपके इन कृत्यों को माफ नहीं करेगी।